हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब पहला का करंट अफेयर इन इसको ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जो हमारा पहला करंट अफेयर क्या है, 15वें एशियाई प्रशांत देश ने 37 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? 15वें एशियाई प्रशांत देशों ने 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार पर समझौता किया। कौन सा जो था एशिया प्रशांत देश में, 15वें एशिया प्रशांत देश में 37वें थे। तो इसका इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया गया? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। अगला जो है लुइस हैमिल्टन, कौन थे? लुइस हैमिल्टन है जीती F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020। किसने? लुइस हैमिल्टन है। अगला जो प्रश्न, इस रेस में इसी से रिलेटेड, इस रेस में सर्जियो पेरेज यानी रेसिंग पॉइंट BWT मैक्सिको ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो सर्जियो पेरेज रेसिंग पॉइंट BWT मैक्सिको ने। अगला जो है करंट अफेयर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रीडम प्रेस दिवस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस का काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया था। 1978 के तहत कब किया गया था? 1966 में किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस का काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में। अगला जो इसका बायोब्रेद बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का क्या हो गया? निर्धन हो गया। वो कहते हैं अभिनेता थे। अगला जो है प्रख्यात पत्रकार और लेखक रवि बेलगोर का क्या हो गया? निर्धन हो गया। अगला जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तर में। अगला जो है कि एस जयशंकर ने 15वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने? एस जयशंकर ने। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार उनके नामित के अनुसार एस जयशंकर ने 15वें एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में प्रतिनिधित्व किया। अगला जो भारत ने COVID-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड में किया $1 मिलियन को वित्तीय सहायता का विस्तार। तो भारत ने $1 मिलियन सहायता देगा कोविड नाइन्टीन एशियन के रिस्पॉन्स में। अगला जो भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRAS सिस्टम का सफल प्रशिक्षण किया। कहाँ से? ओडिशा के तट पर। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अगला जो है QRSAM प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकास किया। QRSAM को प्रणाली को भारतीय सेना के लिए कौन किया? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विकसित किया। अगला जो है रामसर साइट के रूप में चुने गए महाराष्ट्र की लोना झील को, कौन सा झील को? लोना झील को। कौन कहाँ का है? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला जो है कि बांग्लादेश के सादत कौन थे? बांग्लादेश सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सादत रहमान को। कहाँ के थे? बांग्लादेश को थे। दो प्रश्न इससे बन गया कि कहाँ के थे तो बांग्लादेश को। किनको किया गया? तो सादत रहमान को बाल शांति पुरस्कार। अगला जो है संयुक्त राष्ट्र हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी असहिष्णुता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये था आज का अंतिम सवाल।